हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं कर रही हूँ फ्रिज की क्लीनिंग। तो वैसे तो कोई फेस्टिवल नहीं है, लेकिन जब घर में चीज़ें मैसी होने लगती है ना, तो वो साथ के साथ साफ़ होती रहें तो बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ मेरा जो फ्रिज है ना, वो मैंने काफ़ी दिन से बंद कर रखा था। बंद इसलिए क्योंकि विंटर सीजन में ना मैं एक टाइम बंद कर देती हूँ, लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ कि दोनों टाइम ही बंद रखती हूँ। क्योंकि फ्रिज में ऐसा कोई भी सामान नहीं है जो आप फ्रिज में इस सीजन में रखो, सारे सामान बाहर ही सेफ़ रहते हैं। तो इसमें ना थोड़ी सी स्मेल सी आने लग गई थी, तो मैंने सोचा पहले मैं इसे साफ़ रख के करके फिर इसमें ना एक नींबू काट के रख दूँगी, फिर स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ सबसे पहले, वैसे तो ये ज़्यादा गंदा नहीं था, बस इसमें थोड़ी सी गंद बदबू जो आ रही थी वो थोड़ी सी ज़्यादा आ रही थी, और इस बहाने ये साफ़ भी हो जाएगा। तो इसकी जो सारे साइड में जो रबड़ वगैरह होती है ना, ये सब पहले मैं ना एक सूखे कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। आप कोई भी कॉटन का सिल्क कपड़ा कोई भी ले सकते हैं, तो मैं उसी से साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ देखिए, मैं अनमोल से भी बातें कर रही थी, क्योंकि अनमोल ना हमेशा डिस्टर्ब करने में लगा रहता है। तो जब भी मैं फ्रिज साफ़ करती हूँ ना फ्रेंड्स, तो उसमें ना कॉलिन ज़रूर यूज़ करती हूँ, मैं गीला कपड़ा नहीं लेती हूँ कभी भी। तो इसमें देखिए, अब थोड़ी सी सब्ज़ी रखी हुई देख रहे होंगे, तो ये सब मैं निकालने वाली हूँ, क्योंकि ये सब हो गई हैं ख़राब। क्योंकि मैं ना, जैसे बताया आपको, जैसे मेरा फ्रिज बंद रहता है तो बाहर ही सब्ज़ियाँ रहती हैं, तो ये मुझे इनका ध्यान ही नहीं रहा। तो सबसे पहले ना मैं जो ऊपर ऊपर के जो मुझे दिख रहा था कि खाली पड़ा हुआ है, तो यहीं से मैं कर लेती हूँ। पहले मैंने सूखा कपड़ा लगाया था, उसके बाद मैंने हल्का हल्का कॉलिन लगाया था, और इससे ना एकदम आपका जो फ्रिज है वो चमक जाता है। और फ्रिज एक ऐसी चीज़ होती है ना, जो आप बाहर से तो उसे साफ़ रखते हो, लेकिन अंदर से हमेशा ज़्यादातर ना मैसी मिलता है। तो मैं हर हफ्ते इस तरह से कपड़ा हमेशा मारती हूँ, चाहे मुझे कॉलिन लेना पड़े, चाहे मैं मतलब ज़्यादा गंदा हो रहता है ना, तो मैं उसमें लाइजोल वगैरह भी यूज कर लेती हूँ इन चीज़ों को साफ़ करने के लिए। तो ये देखिए, बिल्कुल चमचमा रहा है ये, इस तरह से मैं इसे साफ़ कर लूँगी। सब मैंने ऊपर से नीचे तक इसको साफ़ कर दिया है। अब ये ना बोतल वोतल खाली हैं, इसमें पानी वानी कुछ नहीं भरा जाता, तो ये सब ना अनमोल के काम रहते हैं। वो सारी ऐसी बोतल्स खाली देखता है तो वो रख देता है, मैं इनको भी अच्छी तरह से संभाल के रखूँगी। और ये आप देख रहे हो, इसमें थोड़ी सी सब्ज़ी है, ये सब मैं निकाल दूँगी। अभी तो मैं ख़ास तौर पे ध्यान दे रही थी, जो इसकी ये रबड़ होती है ना, हम हमेशा फ्रिज को क्लीन कर लेते हैं, जो ये इसमें रबड़ लगी रहती है इसमें हमेशा देखना, आपको हमेशा ही गंदगी मिलेगी। तो मैं इस तरह से थोड़ी सी रबड़ को हटा हटा के देखिए कपड़े से इस तरह से करूँगी, एकदम मेरी रबड़ जो चमक गई थी। क्योंकि बाहरली चीज़ को साफ़ करोगे, अंदरूनी चीज़ अगर गंदी रहेगी तो फिर भी आपके मन में ये रहेगा कि वो उस चीज़ को तो हमने साफ़ किया ही नहीं। तो मैंने सारी रबड़ को ऊपर से नीचे तक साफ़ कर लिया था, और जो सब्ज़ी इसमें अच्छी होगी उसको मैं सब्ज़ी रैक में रख दूँगी, और जो ख़राब होगी उसको मैं बाहर नहीं मतलब फेंक दूँगी। अब तो ये थोड़ा फ्रिज में ना सब्ज़ी एकदम पक जाती है, वैसे तो अब विंटर में बाहर भी सेफ़ रहता है। तो ये सब मैंने सब्जियां निकाल ली हैं, अब मैं देख रही हूँ इनमें क्या क्या अच्छा है क्या क्या बुरा है, ये सब मैं देख लूँगी बाद में। देखिए, सारा जो फ्रिज है एकदम से क्लीन हो गया है, और जो सामान इसमें रखने का था, जैसे अनमोल की दवाई होती है, जैसे बाई चांस बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई है रात रात में और आप डॉक्टर के एकदम नहीं जा पा रहे हो, तो मैं हमेशा अनमोल की दवाई तो हमेशा रखती हूँ घर में, और एक शहद भी रखती हूँ। जैसे किसी को खांसी वगैरह ना होती है तो शहद में लौंग डाल के मैं दे देती हूँ, मैं ऐसी चीज़ों को हमेशा घर में रखती हूँ। तो इन चीज़ों को मैं फ्रिज में ही रखा रहने दूँगी, और बस एक टाइम ही चलाया करूँगी फ्रिज को।
तो फ्रेंड्स सारा ना फ्रीज मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है, और पता है क्लीन मैंने ये बिल्कुल ऐसे खाली कर दिया है, क्योंकि अब मैं विंटर सीजन में इसमें कोई भी सब्जी नहीं रखूंगी, फिर ना गंदा सा रहता है। अब चाहिए बंद रहे, बस थोड़ी देर के लिए चलाया करूँगी ताकि जो इसमें महक होती है ना वो मतलब ना आए, और थोड़ी देर के लिए। विंटर सीजन में क्या होता है, बिजली की बचत जितनी कर सकते हो आप करो, ठीक है। जिस चीज़ का यूज नहीं होने लायक है उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो का हम एंड करते हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, बोतल क्योंकि आप लाइक नहीं करते हो, लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो, अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो, फोर्स नहीं कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं।